अस्सलाम वालेकुम। सैमसंग का मेरे पास था बेसिकली एक्सप्रेस 20 20, ठीक है, अगर आप देख सकें। इसके अंदर जो है वो टूनर लगा हुआ होता है, ठीक है। टूनर का मॉडल नंबर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ होता है। हाँ, ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो ये कि चलते चलते ना, मतलब स्टार्टिंग का पेज सही प्रिंट करेगा, पेज के एंड तक पहुँचते पहुँचते ना तो कम हो जाता था। तो मुझे किसी ने कहा कि इसकी इंक की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, प्लस बीच में लाइंस छोड़ता था। तो मुझे इसने बताया कि दो होते ना, एक इसकी तरफ मैं जब गया मैकेनिक के पास, उसने मुझे कहा एक में तो जिसमें टोनर डलता है, एक जिसमें खूनर निकलता है। तो यहाँ पर एक ब्लेड लगा होता है, ये वाला ब्लेड, ठीक है। ये ब्लेड आपको सफाई करो, नीचे कचरा होगा, पाउडर यहाँ जमा होता रहता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ लाइन्स आती हैं, तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे जब आप पाउडर हटाओगे। तो अभी हमने ये कर लिया है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था सैमसंग वालों का पाउडर पटाईवट से, कि उसने मुझे कहा कि आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है। ये ख़ास बात नहीं है कि कोई भी पाउडर जो डलता हो वो आप डाल सकते हो, उसमें कोई ऐसी खासियत वाली पाउडर नहीं डलती, ठीक है। तो आप कोई भी डाल सकते हो। तो फिलहाल तो मैं खैर सैमसंग वाला डाल रहा हूँ, वायरल, उसके बाद फिर हम नॉर्मली डाला करेंगे एचपी वाला, तो देखते हैं क्या बनता है। वो काम तो नहीं चला, तो फिर हमने जो है वो एक कार्ट्रिज नया मंगवाया है, तो अब लगे लगा के देखेंगे क्या इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। पुराना कार्ट्रिज जो था बेसिकली जो मुझे इसके साथ मिला था, उसके साथ ये प्रॉब्लम आती थी इस तरीके से। अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करते थे तो उसमें लाइन्स आती थी, ठीक है। और अगर आप कोई हैवी पिक्चर प्रिंट करते थे तो स्टार्टिंग में ब्लैक होता था, उसके बाद पूरा व्हाइट होता जाता था, और अल्टीमेटली कोई भी पिक्चर नहीं आती थी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट अगर सही मायनों में दिखाऊँ तो मेरे पास वो पेजेस हैं नहीं, वरना मैं आपको दिखाऊँ। यस, ये रहे कुछ पेजेस पड़े हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यू वाले का प्रिंट है, ठीक है, और मैं आपको पुराने वाले का दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आती थी। ये देख रहे हैं, स्टार्टिंग में इंक होती थी, उसके बाद इंक नहीं आती थी। मैंने इंक भी डाल के देखी लेकिन स्टिल जो है वो प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैंने एक नया पैकेज मंगवाया जो कि आई थिंक ईजी वालों से था, वो मैंने आपको पिक्चर दिखा दी होगी। और उसके बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वर्किंग फाइन। एंड ये कुछ इसके प्रिंट्स हैं जो मैंने नया कार्ट्रिज मंगवाया है, या टोनर कह सकते हो, एंड इट्स वर्किंग वेरी फाइन, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स अ टोटल रिव्यू। तो अगर आपको भी इसी तरह के मसले मसाइल आते हैं तो चेंज योर कार्ट्रिज, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड द शॉप विच आई यूज ईजी समथिंग। एंड दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।